हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सिस्टी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आशा रे करवा चौथ और होली अष्टमी के बाद अब आने वाली दिवाली, तो लग गए हैं यहाँ साफ सफाई में। तो यहाँ पे मम्मी चढ़ी पड़ी है 6 बजे से। यहाँ नहीं चढ़ी हो? वो तो मैंने मशीन लगाई थी 6:45 बजे। मुझे तो इतनी देर से कह रही, मैं 6:45 से खड़ी पड़ी हूँ। 6:45 तो खड़े होगी तो कपड़े छह रहे, 6:45 तो खड़े होगा। मशीन लगाई, सारे पंखे साफ करे, अलमारी साफ करी, पूरा घर झाड़ दिया। एक भी ज्यादा तो थे देख, सारे रसोई के डब्बे वब्बे रसोई सब। तो यहाँ देखो, ये है सारे के सारे कपड़े, यहाँ धुल चुके हैं। बैटरी वाली कत्ती आ गया। और आज मैं स्कूल भी नहीं गई सिर्फ इसके कारण, ये धुली नहीं थी। तो मम्मी कह रही है अब जाइयो आराम से, कल जाइयो। ठीक है, हम छुट्टी कर लेंगे। अबे लगे पड़े हैं मम्मी। अब आप हमें मत गंदा कर देना, आपने तो सिर गंदा कर लिया। बस हो गया, अब इस दिन की काम था, बस अब ये पर्दे रह गए हैं। कल को एक बार और मशीन लगानी है। बस कल को और मशीन लगानी है। 10 बज गए हैं, फिर मेरे को उठाया मम्मी ने, उठो 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 उठो, फिर हम उठे 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 उठे। तब जाके सारा काम हो चुका है। और मैंने यहाँ पे बना दिया चाय, जो कि बन गई है। मम्मी के आने का वेट हो रहा है कि मम्मी का फ्री हो ताकि मैं दूँ। वहाँ पे दूध गर्म हो चुका है। हो गई फ्री, लेकिन फ्री नहीं हो, फ्री नहीं हो, फ्री नहीं, फ्री नहीं बोलेंगे हम आपको। और यहाँ पे पूजा कर ली है, तो अब जाके नाश्ता देती हूँ मैं। क्या क्या खाना है मम्मी? मैंने छोले तो निकाले ही नहीं, दाल निकाल दी, छोले रह गए जो कल बने थे। इसे बंद करो, इसे निकालो, इसे यहाँ रखो। सो गाइस, रात के 11:30 बज रहे हैं। इन लोग कुछ ज़्यादा जल्दी खजली हुई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी फाइल, जो कल मैंने बनाई है मम्मी? नहीं बनाई, कल मम्मी का वर्क था ना। कल मैंने बिल्कुल भी फाइल नहीं बनाई, जो कि आज मैं लगी हुई हूँ बनाने में। बस 2-3 पेज रह गए हैं, वो बना लूँ फिर हो जाएगी इसी ब्लॉग का। तो 12 बज रहे हैं रात के, और यहाँ पे निकल रहे हैं कंबल। बताओ, अभी मम्मी ने बेड खोला है, पूरे दिन भर इन्हें याद नहीं रहा। मम्मी को लगा कि दिवाली के बाद ही निकालूंगी, लेकिन ज़रूरत पड़ी गई, जो कि अब जाके कंबल निकाले हैं। क्योंकि जो मेरा है ना, वो पर्पल वाला, वो पापा ने ले लिया, कह रहे मैं नहीं दूंगा। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मम्मी निकालो। पापा एक तो कंबल निकाला है, ऊपर से कह रहे नींद क्यों खराब कर रही है। झाड़ो झाड़ो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सिस्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि ये देखो, मैंने सारे पर्दे मेरे धुल चुके हैं, और ये मैंने सुबह उठ के धो दिए थे। और ये तो मैंने आपको बताया था कि कल मैंने सारी डस्टिंग वस्टिंग साफ सफाई कर दी थी, बेडशीट निकाली है, तो बेडशीट निकाली है। और ये कंबल जाएंगे, ड्राई क्लीन को जाएंगे ये, और ये धुल ही चुकी है। सब मेरा काम दिवाली का कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या हुआ था, जब सुबह में मशीन लगाने को हुई तो उसमें सर्फ थोड़ा सा था, इतना था कि हाँ हाँ आज का काम हो जाएगा। तो मैंने अब सर्फ भी मंगाया है, और मशीन मैंने सुखा के इधर रख दी है, ये मशीन सूख रही है। बाकी दिन जैसे जैसे चलता है काम होता चला जाएगा। लेकिन मेरी दिवाली की सारी साफ सफाई, कपड़े वपड़े सब धुल चुके हैं। फिर ये मैं मलाई का मैंने मक्खन बनाया, मक्खन का मैं घी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी हो गई थी, इसलिए मैंने कहा आज इसका घी बना लेती हूँ। इधर दूध उबल गया है, और जब घी बन जाएगा तो दिखाती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है।
ये घी बन चुका है और इतना ये थोड़ा सा ये निकला है बस। और देखो कितना शुद्ध बढ़िया घी निकला। नीचे आया था धूपबत्ती वाला, पिछली बार मुझसे नंबर इसका डिलीट हो गया था तो मैंने उसका नंबर लिखवा लिया। ये धूपबत्ती लिया, ये घी लिया, दिया इतना सही दे दिया इसने। एक ही अपनी मोगरे वाली और एक मोगरा लिया और एक ये पहले वाला लिया। बहुत अच्छी धूपबत्ती होती है इसकी। एक कह रहा है ये ले लो, मैंने कहा चलो ठीक है ना। तैयार हो गए? मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है ठीक है। जय श्री श्याम, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ये देखो पर्दे धुल के और ये टंग भी गई फ्रेश एकदम बढ़िया। मैंने सोचा था चेंज करूँगी लेकिन फिर मैंने चेंज नहीं करे, धुल के अच्छे लग रहे हैं क्योंकि पिछली बार तो लिए ही थे। मूंड का मेरे पता भी नहीं, बदल जाए तो अच्छे लग रहे हैं। 50 रुपये का पैकेट है और इसमें 24 हैं, सही नहीं है। और अभी मैं मार्केट जाती ना तो यही महंगा देता, 50 रुपये में 24 आ गए। और इस पे लिखा है सुमन कैंडल्स, मेरी बहन का नाम लिखा है इसमें। और मैं इसको लेके आ गई हूँ स्कूल से और वो आया एक प्रोडक्ट लेके। ये थक गई आज सुबह से, लगे आज से नहीं 2-3 दिन हो गए मेरे लगे, बस पूछो मत। तो स्टूडियो मफिन की ओर से नस्के बाय पारस का प्रोडक्ट आए हैं जो हमने ऑर्डर किए थे, जो कि आज आ चुका है। इसको अनबॉक्स कीजिए, अभी कीजिए, ये बाद में करेंगे अभी मैं बता देती हूँ। तो ये प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है, अब मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या है ये। पढ़ाई भी थी और क्या है कि घंटा बिताया हमने हर एक पीरियड में, 6 पीरियड लगे थे, 9 लगते थे। और आप तो सुबह नाश्ता भी नहीं लेके गई थी लंच, लेकिन लंच तो मतलब वो है तो 2 बजे का, मैं लेके कहीं जा रही हूँ। बाय। चावल बनवाए नहीं, बनवाए चावल मैंने बना। तो अब जाके हम खा रहे हैं खाना और ये देखो मम्मी अब जाके बैठी है, कह रही मैं सुबह से बहुत काम किया अब लंच कर लेते हैं, है ना। मेरे आने का वेट होता है, बस चावल बना दिए भाई, क्या क्या गई थी लोंडिया। बस अभी 5 मिनट पहले मैं सो के उठी हूँ, सो गई थी मैं खाना वाना खा के। और अब मम्मी, मेरा इंतज़ार हो रहा था कि कब मैं उठूँ तो मम्मी बेड खोले, तो अब जाके इन्होंने बेड खोला है, उसमें से ये सारी गर्म वाली चादर निकाली है और ये कारपेट निकाला है। और दो टी शर्ट भी, ये दो वो तो ऊपर ही मिल गई ना, तो दो टी शर्ट निकाल दी मेरी। और अब ये सेट करा है पूरे चारों पर, 1, 2, 3, 6 खाने खोले हैं। और इसमें खोलने के बाद हमने ये पहला वाला ना वो ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा उसे, मतलब ऊपर कल रात को भी देखा था, हमें चद्दर दिखी नहीं, तो उसे फिर डबल वाली खोला है, फिर जाके हमें पता चला कि खुल गया ना, तो इसकी चद्दर की मतलब झाड़ भी देखा ना सारे अंदर से, वो जो बेड है उसे अच्छे से झाड़ दिया है पूरा, सही से हर जगह की अच्छे से सफाई हुई है। चार्ली चैपली तो ये देखो अब ये सारी मतलब अच्छे से सेट कर दिया मम्मी ने, बेडशीट बिछ चुकी है, ये इन्हीं दिनों बिछती है क्योंकि गर्मी लगती है इसमें, क्योंकि वेलवेट की है ये, तो आज निकाली है मम्मी ने, आज बिछा भी दी। और अब सेट कर लो और चाय मैंने बना दी है, मम्मी जल्दी पी लो, शाम हो गई, शाम के रात हो गई है, बीच का टाइम हो रहा है, तो इसलिए कह रही हूँ 6 बज गए हैं, चाय पी लो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो आज लग रही हैं हमारे यहाँ पे लाइट्स लड़ियाँ, जो कि पापा आए हैं 1 बजे बोला था, लेकिन आए 3 बजे, तो अब उन्होंने फटाफट मम्मी ने बोला आती लगा दो ये लड़ियाँ, क्योंकि हर जगह की लग चुकी है, हमारी ही नहीं लगी थी, तो फिर आज ये लड़ियाँ लग जाएंगी। मम्मी पापा ये देखो ऊपर, मम्मी आवाज़ ही नहीं आई उनको मेरी, ऊपर है मम्मी पापा जो कि लड़ियाँ लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कितना गैप देना है कितना नहीं देना है, तो बाकी ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो लग गई, हाँ लड़ियाँ लग गई, लग गई। अब मैं बोर्ड दे दो, बोर्ड दे दो, मैं बोर्ड ठीक करके आऊँ, बोर्ड करना है बाकी उसमें लगा दिया, आधी आधी पड़ गई थी, ये वाली अलग और ये वो, तो दो लड़ियों में ये काम हुआ है। एक तो इस कमरे के लिए बराबर आएगा तेज रोशनी वाला,
तेज रोशनी है ना। तो और कौन सा नाइट बल्ब? हाँ एक जीने के लिए आएगा बड़ा। और वो मंगानी है आपने लेजर लाइट? वो तो मैं जाऊंगी। तो यहाँ देखो मम्मी कह रही है मेरा कमाल दिखा। अभी कमाल ये है कि पूरी बालकनी में अब लग रही है यहाँ पे भी लाइट्स। एक ये बहुत बड़ा है, देखो तो। अब तो रात में पता चलेगा कि कैसी लगा रही हैं ये। तो रात में जब जगमगाएंगे पूरा छज्जा पूरी बालकनी। तो पूरा जी जो लग रही है ना ये पूरा गेट ऐसे मम्मी ने पूरा कवर कर दिया। ये इतनी डायरेक्शन में बता सकती हूँ। तो अभी हम ना जा रहे हैं थोड़ा सामने वाले बाजार में, क्योंकि आज है बुधवार तो बुध बाजार जाना जरूरी है। क्योंकि पता नहीं क्या लेना था बुध बाजार से, मुझे कुछ चीज लेनी थी तो वो लेनी है। और देखते हैं क्योंकि ना कन्हैया के ना कपड़े वो छोटे वाले कन्हैया के ना अच्छे मिलते हैं वहाँ पे, तो एक तो वो लेना है दिवाली के उनके कपड़े आ जाएंगे वहाँ से। क्योंकि दिवाली नहीं राखी, जन्माष्टमी पे अच्छे मिल गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि आज भी हम दिवाली पे भी देख लेते हैं, चेक चेक करके आते हैं। तो ये मम्मी के पैर में कुछ हुआ है? क्या हुआ है? घुटने में एकदम मुड़ गया। कितना बोला उछल उछल के काम करो। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और धनतेरस के एक दिन पहले भी हो चुका है। और क्या लगा है? एक कल बाजार से कुछ नहीं आया, सिर्फ सब्जियां आई हमारे घर में, कुछ नहीं मिला। लक्ष्मी मैया का कैलेंडर लाए थे। अच्छा अपने कानों के लाई थी वो रखे, इतने सुंदर लाई तो है, देख लो। वो भी लाई तो आज हमें मार्केट जाना है। मेरी मम्मी मैथी लेके बैठी है, मैंने कल ही इनसे बोल दिया था मम्मी अब मैथी ले तो रही, आपको त्योहार में टाइम मिल जाएगा। त्योहार अब क्या सुबह सुबह कौन दुकान वहाँ पे भागता है? मम्मी हमारे यहाँ बाजार आपको पता है ना, रात तक लगते हैं ना, पता है 4 बजे तक लग। जब मैं कल रात को भी कह रही थी मम्मी चल लो तो कही नहीं कल ही देखेंगे। तो मैथी आलू बन के तैयार है और ये गर्मा गर्म मम्मी ने निकाल दिया। बस मेरी मम्मी की मेहनत जो है ना 1 घंटे की थोड़ी सी कम पड़ गई। मम्मी कह रही लग तो बहुत सारी रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया इसमें, इतनी कम कैसे हो गई है। तो जस्ट अभी हमने खाना खाया है और अभी मैं बाहर थी तो यशु खड़े होके वेट कर रहा था अपने ट्यूशन का, फिर ये ऊपर आया, इसकी वेटिंग खत्म करवाई है हमने। आया क्या तो तुम लाया कि हाँ मैंने देखा कि अकेले कैसे खड़ा है यश को ना उसके लिए पनिशमेंट लगता है, बाहर खड़ा है वो। मैंने कहा अच्छा देखूं जरा, फिर मैंने आवाज मारी कर क्या रहा है इतनी देर से खड़ा हुआ, फिर ये ऊपर आया। क्या हुआ सर नहीं आए? अभी सर की वेटिंग हो रही है, 3 बजे का ट्यूशन है, 3:30 हो रहे हैं, अभी तक सर का ही अता पता नहीं। तो हम आज हमें टाइम मिला है शॉपिंग के लिए आने का, तो अब हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं लाल क्वार्टर में जो हमारी मार्केट है। तो हम आज से शुरू होती है धनतेरस के एक दिन पहले से हमारी मार्केट, देखते हैं आज क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है देखते हैं कितनी होती है हमारी शॉपिंग। ये तो बैल है यार, गणेश जी चाहिए। देखो इधर आओ देखो क्या गाय है ये, देख तो लो गाय नहीं तो बैल है, देखो सांड बुल पहले का बोल सच का ये देखो बुल। दोबारा बुलाने के लिए आपको कितने में ये लेके तुम्हारे मंदिर में जगह तो देखो मैं गाय माता बना लेती हूं गिर गिरा जाए इतना महंगा भी लेके ना देखो गुरु की। हमने सबसे पहले लिए है ये मग, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिवाली का सबसे सामने लगाते हैं और बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे देते हैं, हमारा हर साल का है, 10 साल से ज्यादा यही खा रहे हैं। 10 साल हो गया मैं आते हुए।
जो भी लाल क्वार्टर मार्केट में है तो यहाँ के गोलगप्पे जरूर ट्राई करना। जो भी लाल क्वार्टर में रहते हैं, गीता कॉलोनी रहते हैं, वहाँ जरूर आए, ठीक है? बहुत टेस्टी। सामान तो हम क्या खा ही नहीं है, अभी तो हम ये लिए जा रहे हैं। अभी गोलगप्पे खाए और पापा को जब नॉन कटाई बिस्कुट लेकर आई थी ना, बता दिया उसको ज़्यादा ही पसंद आ गए, तो उन्होंने आज भी कह रहे थे गोलगप्पे खाया तो नॉन कटाई बाकी आज बहुत कम रश है मार्केट में, लगी नहीं था दिवाली है, लेकिन बस यहाँ ये सजावट ये लगी है तो पता चल रहा है दिवाली है। खाना मम्मी ऑल दिन ज़्यादा लगती है भीड़, खाना खाना खाली है, चेक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पापा कर रहे हैं वेट, हम भी कर रहे हैं वेट, तो हम मम्मी ट्राई करने के लिए गई हुई है, तो अब देखते हैं कैसा लगता है। उन्हें एक सूट पसंद आया है, तो अब जाके मेरी दिवाली की आउटफिट मेरे को पसंद आई है, बस अभी ली है। पापा तो चले गए हैं आधे रास्ते में छोड़ के, आधे रास्ते मतलब कि आधा बाजार छोड़ के, फिर उसमें हम लेके जाएंगे, फिर अब जाके मम्मी ने पसंद किया है, मम्मी का पसंद आ गया, मेरा पसंद आ गया, तो अब लेके अब हम घर जाएंगे। पापा कह रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, मैं थक गया। सो गाइज 12:41 हो रहे हैं और हम 11:15 तक आए हैं, ठीक है? और आके डाट खाइए बहुत ज़्यादा। क्योंकि पापा हमें वहाँ छोड़ के चले गए थे, कह रहे थे मुझे घर जाना है, मैं थक गया, तो हमसे एक चाबी लेके नहीं गए और हमें भी कुछ ध्यान नहीं रहा कि हम ही चाबी दे दें, और हमें बिल्कुल भी नहीं याद कि हमें चाबी देनी है। तो घर पे हम आए, वैसे ही सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, पहले तो पूरे बिल्डिंग वासियों ने, कि तुम्हारे तेरे पापा पता है कब से बैठे हुए हैं, कितना देर हो गई है तुम्हें ये वो सुनने, पहले हम पूरे बिल्डिंग में सुनना पड़ेगा, फिर ऊपर आके फिर जो पापा बरसे हैं हम पे, ऐसे ऐसे वर्षा हो रही थी हम पे। तो गलती ना हमारी थी ना पापा की थी, किसी की नहीं थी। जब मैं फ़ोन लेके गई थी तो पापा को मेरे पे फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन पापा भूल गए, क्यों भूले कि मैं मतलब कि हमारे पास कोई सा फ़ोन ही नहीं है। हमारे पास आए भी 4-5 बार ही चक्कर लगाने लाल क्वार्टर मार्केट के, लेकिन हम मिले ही नहीं इनको, तो जबकि पापा को पता था मेरे पास फ़ोन है, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उनके दिमाग से निकल गई। तो हमारे दिमाग में कैसे रहेगी कि हमने चाबी नहीं दी, और आके हमें पता चला कि हाँ पापा हार ही रहे, इससे अच्छा तो हमारे साथ ही रहते, बेकार में टाइम वेस्ट। सो गाइस ऐसे 12 बज गए हैं, हैप्पी धनतेरस टू ऑल, और करते हैं हम इस व्लॉग का यही एंड। अगर आपको ये दिवाली की शॉपिंग वाला व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन मेरे आपके पास पहुँच जाएगी। तो डार्ट वाला व्लॉग है वो तो मैं रिकॉर्ड करी नहीं, जो हमें डांट पड़ रही थी वो बहुत ही बुरा सीन था, लेकिन इसलिए मैं मुंह से बता रही हूँ कि ये हमारे साथ हो गया। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल धनतेरस वाले ब्लॉग के साथ।